दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम लोग अभी बिहार एसएससी CGL 3 सचिवालय सहायक जो 2022 में वैकेंसीज आया हुआ है और इसका आगामी दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, इसी के बारे में हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है GK GS का टॉप क्वेश्चन, उसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आप लोगों को इस क्लास के अंदर पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। और हमको पता लगेगा कि किस टाइप का परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने वाले शिफ्ट में कैसे प्रश्न आने की संभावना है। तो दोस्तों, इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हम लेके आए तो सबसे पहले आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को दोस्तों। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे भारतीय संविधान के भाग नंबर 4A में और अनुच्छेद की बात करें तो 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा था और वर्तमान समय में भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। ये 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम लोकल गार्जियन का है। तो इस तरह से वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य है। ध्यान रखिएगा, कब जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। किस समिति के सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द टीन ऑफ ड्रम किस नोबेल पुरस्कार के विजेता की कृति? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गुंटर ग्रास है, गुंटर ग्रास है जिनको कि इन इसी पुस्तक के लिए इनको द टीन ऑफ ड्रास का नोबेल पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्र के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कनाडा के साथ किया था। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि किस देश के साथ किया था? तो कनाडा के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यमुनोत्तर रेखा है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये वैसे तो होता है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पर दिया हुआ है 82.30 इंच पूर्वी देशांतर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 82.30 इंच पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 35। इसके पहले जो था मैथ था और रीजनिंग था, हम आप लोगों को सिर्फ जीके वाला और साइंस वाला डिस्कस कराने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोको हरम क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोको हरम उत्तर पूर्वी नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह से बोको हरम क्या है? एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है। किस देश का है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न जो दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें दोस्तों, तो ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न 1966 ईस्वी में दिया गया था। अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों भारत रत्न, तो इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 1974 ईस्वी में भारत में पहली बार न्यूक्लियर विस्फोट किया गया था, ये पोखरण में। पोखरण कहाँ पर, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान के अंदर है पोखरण, और इसका जो कोड नेम दिया गया था इसको भी ध्यान रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। इसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों,
सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। सतलज नदी जो निकलती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर राकस तिल झील में, सॉरी, तिब्बत के राकस ताल झील के अंदर। कहाँ से निकलती है सतलज नदी? सतलज नदी निकलती है तिब्बत के राकस ताल झील से। इस तरह से इसका 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, ये तो गलत है दोस्तों। इसमें केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये भी गलत है। इसके बाद है इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ये भी गलत है। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्राधिकार। इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ये किस अनुच्छेद के अंदर दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 143 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जल्लीकट्टू ये जो सांडों की लड़ाई है दोस्तों, ये बैल की एक प्रकार की लड़ाई है। इसमें दो बैल को आपस में लड़ाया जाता है और उस बैल के सिंह के ऊपर में पैसे की पोटली बांधी रहती है, जिसको कि भारत सरकार के द्वारा 2016 से सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर से बैन लगा दिया गया है। ये किस राज्य के अंदर होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तमिलनाडु का प्रमुख पर्व, जल्लीकट्टू सांडों की प्रमुख मनोरंजन भी एक प्रकार का कहाँ पर होता है? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं, सोनम अमर है, सोनम अमर है, अमर है। देखिए, सो से हो जाएगा दोस्तों सोन नदी, सो से हो जाएगा सोन, नम से हो जाएगा नर्मदा नदी, और अमर से हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। इस तरह से सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। तो ये अमरकंटक दिया हुआ है, तो हम लोगों को इसमें ढूंढना है कि सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित, ये तो हो गया दोस्तों नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बिहार का सोनपुर मेला जो है पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। उच्चखंड कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इसकी सिद्धांत को संपुष्ट किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूनाइटेड कार्बाइड केस, मेनका गांधी केस, इंदिरा साहनी केस, साहा बानो केस। इस प्रश्न का सही आंसर मेनका गांधी केस है, जो कि 1978 के अंदर से निकल के आई है। कब? 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 में है, युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन कर राजद्रोही गतिविधि के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्लड डायमंड। इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लड डायमंड। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ब्लड डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है दोस्तों, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एएन वोहरा अभी राज्यपाल हैं। यानी कि दोस्तों, ये 46 नंबर जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि उस समय, यानी कि वोहरा कमेटी के उस समय, ये श्री एएन वोहरा किस राज्य के राज्यपाल हैं? 46 का उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। वैसे जम्मू कश्मीर दोस्तों अभी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में कर दिया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को यूटी में बना दिया गया। ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 47 नंबर है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शराबबंदी संविधान के धारा नंबर 47 में वर्णित है। और शराबबंदी अभी भारत में के किस राज्य में लागू है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? यानी कि 2018 के ये करंट अफेयर्स है दोस्तों, और उस समय आयोजित की जा चुकी थी कहाँ पर दोस्तों? ध्यान रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में जो ऑस्ट्रेलिया के घाना में किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के घाना में, ये ऑस्ट्रिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए दोस्तों। वैसे आप याद रखिएगा, 2022 में फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कतर की राजधानी दोहा में। इस क्वेश्चन का आंसर ये याद रखिएगा, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कतर की राजधानी दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो ध्यान रखिएगा, भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन जो का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 356 में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 360 के अंदर दोस्तों वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल। और एक क्वेश्चन और ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 352 का प्रावधान है आपातकाल से, राष्ट्रीय आपातकाल। इस तरह से दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद नंबर 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कॉटन को अनुशासित किया गया, बीटी कॉटन। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार स्वीडन सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, स्वीडन सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 ईस्वी से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कॉलमों में सही मिलान करें। पहला है दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क ये जो है कर्नाटक के अंदर है। इस तरह से ए वाला जो है उसका सही आंसर जिसमें 4 होगा वही है। तो देखिए, इसमें ए यहाँ पर है और 4 4, ए बी दोनों में है और सी में 4 नहीं है, तो इसका मतलब सी तो ऑप्शन होगा नहीं, डी में भी 4 नहीं, तो ये डी भी नहीं होगा। तो इस तरह से दो ऑप्शन तो पहले ही छटा गया दोस्तों। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कर्नाटक के अंदर है। और अगर हम लोग देखते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये जो है पश्चिम बंगाल में, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अब ऑप्शन नंबर बी में, ए और बी दोनों में, बी में 3 और 3 है, तो इस तरह से इसे भी नहीं छटा सकता है। तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ श्रेणी ये कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ ये जो है राजस्थान के अंदर है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी, ये जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा 1। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए में सी का 1 है, इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। बक्सा राजा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ लाइफ श्रेणी कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। पेंच एक ठो बचा है, पेंच नेशनल पार्क, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश, यानी बी नंबर मध्य प्रदेश में है। तो
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? भारत का राष्ट्रीय जल जीव, ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगा का डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। और बात करें डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर खोला गया है? पटना में, ध्यान रखिएगा, भारत में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया है? पटना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर दीजिए। देखिए खाद्यान्न उत्पादन, और खाद्यान्न उत्पादन की बात करें दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न ये हरित क्रांति से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन का संबंध किससे है? हरित क्रांति। खाद्यान्न में भी प्रमुख आता है गेहूँ। उसी तरह अगर हम लोग बात कर लें दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन का जो संबंध है दोस्तों ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन का दोस्तों है नीली क्रांति से। उर्वरक उत्पादन का संबंध है भूरी क्रांति से। तो इस तरह का ए का, देखिए ए का जो सही आंसर है दोस्तों ए है। तो ए का सही आंसर ए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक विकसित किया गया है कहाँ, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। ध्यान रखिएगा हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व बैंक का स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया। विश्व बैंक का स्थापना 1945 ईस्वी में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। ये भी ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो आईएमएफ को, आईएमएफ को विश्व बैंक की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, तो बता ही दिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा इंदिरा सहनीवाद, एम आर बोमईवाद, रुदल शाहवाद, इसमें से कोई नहीं। इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो दोस्तों, इनमें से ऑप्शन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, किस, इन ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केशवानंद भारती, इसको ध्यान रख लीजिएगा, केशवानंद भारती के द्वारा भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। केशवानंद भारती कहीं नहीं, तो इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, के एम मुंशी, दोस्तों क्षमा करेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में पी वी नरसिंहा राव, बेनेगल नरसिंहा राव को जाना जाता है, के एम मुंशी को नहीं जाना जाता। इस तरह से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में बेनेगल यानी कि पी वी नरसिंहा राव को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान है एवं गणित है, तो हम आपको विज्ञान का क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों, गणित तो बाद में आप लोग देख लीजिएगा। 61 नंबर में क्वेश्चन में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चिन्हित करें, इनमें से कौन सा गलत है? मैडम क्यूरी, डायनामाइट, डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया, तो पहला ही गलत हो गया दोस्तों, तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। जे एल बेयर्ड के द्वारा दोस्तों टेलीविजन का खोज किया गया है, ये ग्राहम बेल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का, जे एल बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का, जेम्स वाट और जेम्स वाट के द्वारा स्टीम इंजन का खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आनुवंशिकी के जनक गेगरी मेंडल है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आनुवंशिक के जनक गेगरी मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप से दोनों स्तंभों का मिलान करें, ये बीमारी और उनके बीच का जो सही जाँच है उसकी जाँच का सही मिलान करें। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 जो है, पहला है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट के लिए दोस्तों ये टाइफाइड का जांच किया जाता है। उसके बाद जो दोस्तों है डिक टेस्ट, और डिक टेस्ट के लिए जो दोस्तों स्कॉरल फीवर का जांच किया जाता है।
उसके बाद है दोस्तों टर्निकेट टेस्ट। टर्निकेट टेस्ट के लिए दोस्तों डेंगू बुखार का जांच किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आर ए फैक्टर के जांच के लिए जो गठिया का जांच किया जाता है दोस्तों, आर ए फैक्टर से गठिया का जांच किया जाता है। और एलिसा टेस्ट जो है दोस्तों वो एड्स के लिए जांच किया जाता है। इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विडाल टेस्ट किसके लिए? टाइफाइड के लिए। देखिए ए का ऑप्शन यहाँ पर 3 दिया हुआ, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में है दोस्तों, ध्वनि तरंग नहीं चल सकता है कहाँ पर? निर्वात में। ध्वनि तरंगे कहाँ पर गमन नहीं कर सकता है? निर्वात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। 66 है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में एड्रिनल, एड्रिनल जो है दोस्तों ये गुस्सा यानी डर। तो इस तरह से एक सही हो जाएगा, एक का एक सही हो जाएगा। दूसरा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है दोस्तों एस्ट्रोजन ये है महिलाएं से संबंधित। किससे संबंधित? एस्ट्रोजन महिलाएं से संबंधित है। दूसरा है इंसुलिन, इंसुलिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ग्लूकोज से संबंधित। इंसुलिन किससे संबंधित है? ग्लूकोज से। और फेरोमोन्स ये किससे संबंधित है? साथी आकर्षित करना, गंध ग्रहण करने की शक्ति। तो इस तरह से पहला का ऑप्शन ये एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए ए में तो 3 है, तो इस तरह से सी में देखिए, सी में जो है एक के लिए एक यूज किया गया, एक के लिए एक यूज किया गया, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और बी के लिए 3 यूज किया गया, बी के लिए 3 सही भी है। और सी के लिए जो यूज किया गया है दोस्तों वो 4 है, तो सी के लिए यहाँ भी 4 यूज किया गया है, 4 के लिए 2, 4 के लिए 2, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। 67 नंबर में है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है किसके बराबर? तो इस तरह से ध्यान रखिएगा 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड, 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर में है, निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में जो उपयोग किया जाता है दोस्तों सिलिकॉन, सिलिकॉन को यूज किया जाता है। सोलर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। और सिलिकॉन वैली के नाम से दोस्तों बेंगलोर को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जाना जाता है? बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? मिनी माता का मुख्य कारण है पारा, पारा। मिनी माता का मुख्य कारण क्या है? पारा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों 72, गाय की गर्भ अवधि क्या है? तो ध्यान रखिएगा 274 से 280 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का कारण होती है? अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 74 में है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 74 का जो सही आंसर हो जाएगा जैविक खाद के रूप में दोस्तों एजोला का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। एजोला की बात करें जलीय परागणों से कि साल से प्रजाति का एक वर्ग जिसमें नाइट्रोजन की बहुलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों गन पाउडर, 75 नंबर में है गन पाउडर जो है किसका मिश्रण होता है? तो ध्यान रखिए गन पाउडर ये मिश्रण है चारकोल सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक औषधि किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? तो ध्यान रखिएगा लोहा का शुद्धतम रूप है पीटवा लोहा, ढलवा लोहा जो है दोस्तों ये निम्न श्रेणी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर में साबुन किसका सोडियम सॉल्ट यानी साबुन जो किसका
सोडियम सॉल्ट है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टरिक अम्ल का, स्टरिक अम्ल का साबुन सोडियम सॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वाहिल मल। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो वाहिल मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है तांबे एवं जस्ता का, तांबा एवं जस्ता, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर में, निम्नलिखित इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस इसका मतलब ये नोबेल गैस नहीं है, तो ध्यान रखिएगा फ्रियॉन जो है दोस्तों इनर्ट गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर में है, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन इनमें से क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होता है क्या? मैग्नीशियम और एफी मना लोहा। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो है दोस्तों ये है बेकुरल, ध्यान रखिएगा बेकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइन्फेक्टेड की तरह उपयोग होता है क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन का। वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, देख लेते हैं, 86 नंबर में है, कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? कैफीन, कोको कोला, यानी यही ध्यान रखिएगा, कोको कोला में कौन सी कैफीन क्या पाया जाता है, कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 87। 87 में सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कीजिए। तो पहला ही है पर हरित कीड़ा, इसके लिए जो सही हो जाएगा दोस्तों सिल्वर फिश। पर हरित कीड़ा किस इसके लिए सही हो जाएगा? सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी दोस्तों ध्यान रखिएगा कीवी है। उड़ान रहित पक्षी क्या है? कीवी। दो का एक हो जाएगा दोस्तों अंग रहित रेंगने वाला ये होता है दोस्तों सांप। अंग रहित पशु ये हो जाएगा मछली। तो अब देख लेते हैं एक का जो सही आंसर होगा दोस्तों बी, एक का बी किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में, एक का बी ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है मिल्क फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर में है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे? तो ओजोन बायोस्फीयर को जो बचाती है अवरक्त किरणों से, अवरक्त किरणों। इस तरह से 89 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम आप लोगों को